हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पावर डायरेक्टर में वीडियो को फुल स्क्रीन कैसे कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने पावर डायरेक्टर ऐप ओपन कर लिया है। अब फ्रेंड्स, फटाफट से मैं इस प्लस का आइकन पर क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने प्लस का आइकन पर क्लिक करा, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे रेशियोज़ आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, इन सभी रेशियोज़ में वो ट्रिक सेम होने वाली है। फिलहाल मैं आपको वो ट्रिक 16:9 में करके बता देता हूँ। तो मैं फटाफट से 16:9 पे क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे मैंने 16:9 पे क्लिक करा, अब मैं फ्रेंड्स फटाफट से यहाँ पे एक वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक वीडियो को ऐड कर लिया है। और इस वीडियो को फ्रेंड्स राइट साइड आपको एक ब्लैक लेयर दिख रही होगी जो बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रही है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप आखिर कैसे इस वीडियो के राइट साइड की ब्लैक लेयर को हटा सकते हैं और इस वीडियो को फुल स्क्रीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को फुल स्क्रीन करने से पहले मैं आपको इस वीडियो को प्ले करके बता देता हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स मैं फुल स्क्रीन करने के प्रोसेस को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा ये वीडियो फ्रेंड्स फुल स्क्रीन नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को फुल स्क्रीन करने के लिए आपको सिंपल सा इस वीडियो पर क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप इस वीडियो पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे एक पेंसिल का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको सिंपल सा इस पेंसिल के ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप पेंसिल के ऑप्शन में क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। और फ्रेंड्स, आपको सिंपल सा राइट साइड स्लाइड करना होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आप राइट साइड स्लाइड करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेन एंड जूम का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको सिंपल सा पेन एंड जूम का ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप पेन एंड जूम के ऑप्शन में क्लिक करते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टम मोशन का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको सिंपल सा कस्टम मोशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप कस्टम मोशन वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दो विंडोज आ चुकी है। पहली है स्टार्ट पोजीशन और सेकेंड है एंड पोजीशन। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपल सा पहले स्टार्ट पोजीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको सिंपल सा यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा जूम करना होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जूम कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको सिंपल सा इस एंड पोजीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आप एंड पोजीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपको फिर से थोड़ा जूम करना होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फिर से थोड़ा जूम कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब आपको सिंपल से यहाँ पे इस प्ले बटन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप प्ले बटन पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो फ्रेंड्स यहाँ पे फुल स्क्रीन हो चुकी है और ये हमारी प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।